नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एग्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आपको दो फीमेलें याद ही होगी जो हमारी कॉलोनी में, जिसने एक ही मटकी में ब्रीड की थी और उसके मेल के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था और मेल की पेयरिंग थी भी नहीं। हालांकि अंडे फर्टाइल हुए, क्रॉस भी हुई मेल के साथ, तभी अंडे फर्टाइल हुए, बच्चे भी निकले और उन सभी बच्चों को पाल के अच्छे से बड़ा भी कर दिया। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसका टाइटल हमारा था कि एक मेल के साथ दो फीमेलों का जोड़ा, तो उसके बारे में मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा आपके साथ डिस्कस किया था कॉलोनी ब्रीडिंग में कैसे लगता है। और सेपरेट अगर हम पिंजरे में एक मेल के साथ दो फीमेलों का जोड़ा लगाकर उनसे ब्रीड लेते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं दे दूँगा, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है उस वीडियो में भी मिल जाएगी। बाकी उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि हम लाइव जो है एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि अगर सेपरेट पिंजरे में, अलग एक पिंजरे में सिर्फ एक मेल और दो फीमेल को एक साथ रखकर उनसे ब्रीड ली जाए तो क्या सक्सेस हो सकती है। तो वही जो है वो एक्सपेरिमेंट लाइव में आपके सामने करने जा रहा हूँ। जब मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो उसके अगले दिन ही मैंने दोनों फीमेलों को बाहर निकाल लिया था और उनके साथ एक मेल को छोड़ दिया था, तो उस मेल के साथ एक फीमेल की पेयरिंग हो गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन दोनों फीमेलों को मटकी देने वाला हूँ। जोड़ा एक के साथ लगा है लेकिन मुझे पता है कि जब ब्रीडिंग करेगा एक जोड़ा तो दूसरी फीमेल भी उसके साथ पेयरिंग होगी, और आगे क्या क्या होगा, कैसे पेयरिंग होती है, क्या होता है। दो मटकियाँ लगाऊंगा मैं, दोनों मटकियों को अलग अलग दोनों फीमेलें रोकती है या फिर से एक ही मटकी में दोनों फीमेलें जाना स्टार्ट करती है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि एक ही फीमेल में फिर से वो दोनों एक ही मटकी में दोनों फीमेलें जाना स्टार्ट करेगी। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये देखें, ये पिंजरा मैंने अभी यहाँ पर रखा है, ये देखें, और ये चलिए मैं बैक कैमरा करके आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे। तो ये देखें, ये दोनों फीमेल है और ये वाइट मेल है जो कि बेहतरीन क्वालिटी का मेल है, ये देखें, और वो फीमेल है, ये देखें, ये दोनों फीमेल है। एक बार अंदर से दिखा दूँ आपको, ये देखें। तो इनका ये पिंजरा जो है मैं यहाँ पर ऊपर सेट करूँगा, तो अभी मैंने नीचे निकाल लिया है, नीचे मतलब रखा है ताकि मैं मटकी लगा सकूँ, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे मटकी लगाने में जो है वो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये देखें, ये मटकियाँ मैंने यहाँ पर जो है वो रखी थी, तो जल्दी से इस मटकी को लेते हैं और लगाते हैं। एक हाथ में जो है वो कैमरा है, चलिए मैं लगा के आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखें, मटकी जो है वो लग चुकी है, दोनों मटकियाँ, और ये देख लें, ये देख लें, दोनों ही फीमेलें जो देख लें, हाँपने लग गई है क्योंकि मटकियाँ मैंने लगाई तो थोड़ा इधर उधर जो है वो दौड़ने लग गई है। ये देखें, आप देखें क्वालिटी। अब देखते हैं कि सेपरेट जो है हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। कॉलोनी ब्रीडिंग में एक मेल जो है वो तीन मादाओं के साथ भी जोड़ा लगा लेता है और तीनों मादाओं के साथ क्रॉस भी हो जाती है और तीनों मादाएं अंडे भी दे देती है, दो मादाओं के साथ भी लगता है, लेकिन वो वहाँ कॉलोनी ब्रीडिंग में ब्रीडिंग जो है वो सक्सेस नहीं हो पाती। मेल जो है वो सभी मटकियों पर ध्यान नहीं देता है, या तो वो एक मटकी पर ध्यान देता है, एक मटकी के बच्चों को पालता है, या वो किसी भी मटकी पर ध्यान नहीं देता और चौथे पार्टनर की तलाश में निकल पड़ता है। तो सेपरेट में मेल के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इधर उधर नज़रें गड़ाने का, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यार ये जो सीरीज़ निकलेगी हमारी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। पहले भी हमारे जो है वो सेटअप में एक जोड़ा था, एक मटकी थी जिसमें पता नहीं कितने कितने जोड़े एक साथ ब्रीड कर रहे थे और काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी वो भी। तो इस सीज़न में भी एक नया कुछ आपको देखने को मिलेगा और लाइव आपके सामने होगा। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, जल्दी से ये हमारा जो पिंजरा है वो हम इसकी जगह पर सेट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पिंजरा सेट होगा। तो दोस्तों, पिंजरा जो है वो ऊपर लग चुका है, देखें काफ़ी हाइट पर है, छत जो है टच लग रही है आपको। तो यहाँ पर ये पिंजरा रहेगा, ये देखें। तो देखते हैं अब जल्दी से हमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसके आगे की अपडेट जो है वो लगातार मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।